हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ हिरेन फ्रॉम decaptor.com। और गाइस, आज के इस एपिसोड में हम एक सैलून का पैम्पलेट्स बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर ली हैं। जो भी इमेज यूज़ करूँगा पैम्पलेट में, वो आप उनका इमेजेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो इसके बाद में हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ जैसे कि एक लोगो बना लिया है, एडी सैलून्स करके है, और कलर वगैरह भी बाद में भी चेंज कर सकते हैं। और जो जो हमें कंटेंट देना है वो भी हमने यहाँ पे सब लिख रखा है, ठीक है। तो कंटेंट आपको मिल ही जाता है या फिर आप अपना खुद का बनाने जा रहे हैं, तो आप पहले ये चीज़ें रेडी कर लिए। क्या क्या प्राइसिंग देनी है आपको, कौन कौन सी चीज़ें हमें सैलून में, आप कौन कौन से सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दे देनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हैं, इमेजेस भी रेडी हैं। तो अभी हम इमेज जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने 3 इमेज लिए हैं, आप सभी भी ले सकते हो चाहो तो, सभी सेलेक्ट कर लिया और डायरेक्टली ड्रैग करके आप कोरल ड्रॉ पे ओपन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो अभी सबको हम साइड में करते हैं, और इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, ठीक है। तो अभी हमारा पेज जो है वो खाली हो गया है। तो अभी हम जो बनाने जा रहे हैं वो A4 में बनाएंगे, जो पम्पलेट्स हमारा होगा वो A4 में होगा। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे लेटर तो है ही ऑलरेडी, या फिर आप A4 सिंपल सा, ओके। तो अभी हमने A4 ले लिया है। ये देखिए, आपका जो साइज़ है पैम्पलेट्स का वो अलग भी हो सकता है, आपका 9x6 का भी हो सकता है, या A4 भी रख सकते हो। वो प्रिंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कराना चाहते हैं, तो रिसाइज़ आप बाद में भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने A4 ले। सो गाइज, जो भी शॉर्ट कीज यूज़ करूँगा वो आपको यहाँ पे लेफ्ट में से, मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया हुआ ऐसे ही, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट कीज मिल जाएंगी, ओके। तो अभी यहाँ पे आते हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ पे A4 ले लिया, तो अभी यहाँ पे कॉर्नर पे आके कहीं पे भी आप डबल क्लिक प्रेस करेंगे, बिल्कुल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और ऐड पेज फ्रेम करेंगे। फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको जूम कर लीजिए, कहीं पे भी लाइन पे आप पेज के बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे जो हमारा रेंडरिंग रेजोल्यूशन है वो 300 है, चूँकि ये प्रिंटिंग के लिए होना है, और यहाँ पे आपका तो पोर्ट्रेट रहेगा ही रहेगा, ओके कर देते हैं। ओह सॉरी, अभी एक चीज़ यहाँ पे नहीं हुई, फिर से डबल क्लिक करता हूँ, ऐड पेज फ्रेम करेंगे, ओके। अब ओके करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे पेज फ्रेम बन के आ गया है। तो अब इसको आप कहीं पे भी और पे भी जाके डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन यहीं पे पड़ा रहने दीजिए। तो देखिए, जो भी शॉर्ट की यूज़ करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर कन्फ्यूज़न हो कोई भी, अगर मैं ना बता पाऊँ, बोल ना पाऊँ उस चीज़ को, तो आप यहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, वीडियो को पॉज कर दीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से कोई एक इमेज यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यही वाली इमेज यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है इमेज, और यही वाली इमेज यूज़ करेंगे, ज़्यादा इमेज यूज़ नहीं करने वाले हम यहाँ पे। तो आप इस पर राइट क्लिक करिए और पावर क्लिप इनसाइड, और यहाँ पे आके जस्ट आपको इस तरीके से कोशिश कर देना है, और एडिट पावर क्लिप करेंगे और इसको बिल्कुल फिट करते हैं कुछ ऐसे करके। तो ये कुछ इस तरीके से आ गई है। अभी भी अगर आपको लग रही कुछ कटी पिटी, तो एक काम और कर सकते हो आप, यहाँ पे इसको एडिट करके इसको थोड़ा सा साइड भी कर सकते हो कुछ ऐसे, ओके। कुछ मैं इसको साइड कर देता हूँ। एक काम यहाँ पे हम करते हैं, इसको इधर की ओर करेंगे। अब आप सोच रहे हो क्यों मैंने ये किया हुआ है, तो उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मैं चाहूँ तो इसमें ब्लैक फिल कर सकता हूँ, यस, कुछ इस तरीके से। अभी कलर जो है यहाँ से मैं पिक करूँगा ये वाला, और यहाँ पे फिल कर दूँगा। तो अभी इस तरीके से हमें यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी कुछ ये कंटेंट डालने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लैक जो यहाँ से लिया है मैंने, बिल्कुल इस यहाँ से मैं पहले पिक करता हूँ और यहाँ पे फिल करता हूँ, तो अभी काफ़ी अंतर आ रहा है दोनों में। तो फिर से मैं पावर क्लिप को एडिट करता हूँ और यहाँ पे आएंगे, और गाइस यहाँ पे आपको जैसे ही आएंगे तो ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ पे देनी है। जस्ट यहाँ पे हम इसको ट्रांसपेरेंसी देंगे कुछ इस तरीके से, ताकि कलर जो है वो मैच हो जाए। अभी देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रहा, और कलर जो है वो पूरी तरीके से मैच हो चुका है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इमेज के ऊपर कुछ ज़्यादा आ चुकी है, जिसकी वजह से ये हेयर थोड़ा सा वो हो रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, हल्का सा जो ट्रांसपेरेंसी हमने दी है थोड़ा सा आगे की ओर करेंगे,
ताकि इमेज के ऊपर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, कलर भी मिल जाए और ज़्यादा फ़र्क भी ना पड़े। तो ये थोड़ा सा ठीक आया है और अब यही हम रखेंगे फाइनली। तो अभी हमारा जो लोगो है, लोगो का कलर यहाँ पे हम ये वाइट कर देंगे, और अभी यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं अनग्रुप करेंगे, और ये इसमें कुछ चीज़ें पहले मैं लोगो को यहाँ पे ले आता हूँ। देंगे लाइट कलर, देंगे लाइट कलर दिखेगा, अदरवाइज़ ब्लैक पे और कोई दूसरा कलर नहीं दिखेगा हमें। तो अभी मान लीजिए ये हमारा लोगो का हो गया, ओके ग्रुप कर दिया इसको मैंने। अब ये जो हमारे प्राइसिंग वाले हैं इनको यहाँ पे हमें देना होगा। इसके लिए हम कुछ बना लेते हैं, जैसे कि कुछ रेक्टेंगल्स को लेंगे और इसको रेक्टेंगल को बिल्कुल स्क्वायर में ड्रॉ करेंगे, और इसके अंदर अभी ये फ्लिक कर दिया मैंने और आउटलाइन इसकी रिमूव कर दे रहे हैं हम, ओके। और अभी यहाँ पे आएंगे और सेव टूल का यूज़ करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल क्यों ना प्रेस करके इसको राउंड करेंगे, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से राउंड हो जाए। अब इसके बाद में यहाँ पे 45 पे इसको रोटेट करेंगे, तो 45 पे रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अभी 45 पे मैंने रोटेट किया तो इस तरीके से आ गया है मेरा। अब ओके इसकी डुप्लीकेट बनाएंगे, आप सिर्फ प्लस प्रेस करेंगे या फिर ऐसे ड्रैग करके भी बना सकते हैं, ओके। तो अभी मैंने यहाँ पे यस इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, दूसरा कलर फिल किया हुआ है शिफ्ट के साथ में, और इसको पेज डाउन कंट्रोल और पेज डाउन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें वाइट भी अभी फिल कर सकते हो, वाइट फिल करेंगे, ओके वाइट फिल किया मैंने। और ये जो हमारा है अब इसमें कलर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इसमें ग्रेडियंट ही लेंगे, और ग्रेडियंट लेने के बाद में तरीके से ब्लैक नहीं, मैंने इसके आईज से कलर उठा लिया है ताकि इससे थोड़ा सा मैच करता रहे। अभी इसको हम एक काम करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और इससे सेंटर कर देंगे, सी और ई प्रेस करते हैं। अभी वो नीचे चला गया हमारा जो टेक्स्ट है, इसको पेज डाउन करेंगे। अभी पेज डाउन करने पे भी नहीं आया, तो इसमें हम पहले से ही एक काम करते हैं, कलर जो है इसका वाइट कर लेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे प्रॉपर दिखाई पड़े। तो अब इसको सेव शिफ्ट के साथ पेज अप करेंगे और यहाँ पे सी और ई प्रेस करेंगे जिससे कि ये सेंटर में आ जाएगा, ओके। अब पूरे को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी करते हैं। आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अभी हमें स्पेस मिल रही है तो हम इसको कुछ इस तरीके से देते हैं, जहाँ जहाँ पे हमें स्पेस मिलती जाएगी। इतना हो गया है, अब इनके लिए हम सोचेंगे कुछ दूसरा बनाया जाए, जैसे कि ये हो गया और ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। तो इनका सबसे पहले कलर जो है वो चेंज कर लेंगे, को वाइट करेंगे ताकि यहाँ पे दिखाई पड़े।
तरीके से आ गया है अभी। तो अभी इनके लिए तो हमने कुछ बनाया ही नहीं, इसके लिए भी हम यहाँ पे आएंगे, सेम चीज़ अप्लाई करेंगे, और कुछ नहीं करना है हमें। के ये जो कलर है वही कलर फिल कर देना है, ठीक है। अब बात आती है ये वाले कलर की, तो इसको थोड़ा सा हम पेज डाउन करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन, ताकि हमारा पेज डाउन कर दिया इसको मैंने, और कभी कभी क्या होता है पेज डाउन कई बार करना पड़ता है, तो उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जब तक पेज डाउन ना हो जाए तब तक आप करते रहिए, होल्ड करते प्रेस करते रहिए, ठीक है। तो अभी इसका भी हम थोड़ा सा एक रेक्टेंगल इसे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, ओके। और कंट्रोल पेज डाउन ना करके पहले हम एडिट पे जाएंगे, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम, फिल पे जाएंगे, ओके करेंगे, और ये वाला जो कलर है वो फिल कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे कुछ ये इस तरीके से कलर आया है, और यहाँ पे आप चाहो तो और भी आप बना सकते हो। कई बार पेज डाउन आप करते जाओ लेता ही नहीं है, तो कुछ ज़्यादा ही पेज डाउन हो गया, तो भी हम पेज अप करेंगे। सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है ये, तो आप बिल्कुल परेशान न होकर मत करिएगा कि अरे हो नहीं रहा, हो नहीं रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम यस देखते हैं, इक्वली आ गया। तो भैया ये कुछ इस तरीके से रेडी हुआ है, तो अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पे लाए और इसको कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, ओके। और सेम इसको भी आगे की ओर ले जाएंगे, बराबर स्पेसिंग देंगे, कंट्रोल पेज डाउन करेंगे, यस। तो अभी यहाँ पे इसको इससे सेंटर कर लेते हैं, सी और ई करेंगे, सी और ई करते हैं, और इसको कंट्रोल जी करेंगे, और इसको कंट्रोल जी करेंगे, इसको कंट्रोल जी करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कुछ कम ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर की ओर, जितना ज़्यादा जूम कर लोगे उतना अच्छा आएगा ये। अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा हमें करना पड़ेगा, ओके ओके। सो अब इसको हम राउंड सोच रहे करने के लिए, तो अभी राउंड यहाँ से हम करेंगे, चाहे तो आप यहीं से राइट में करता हूँ, कोशिश करता हूँ करने की, ताकि बराबर इक्वल आए, ओके। और इसको भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अब बिल्कुल बराबर आ चुका है। हाँ, तो दोनों को भैया अब हम एक काम करेंगे, दोनों को बराबर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, और इसको पेज डाउन करना होगा हमें, ताकि इसके ऊपर आ जाए। तो अब कभी कभी कई बार हमें पेज डाउन करना पड़ता, तब जाके बराबर आ पाता है, अदरवाइज़ नहीं आता है। तो हमने बिल्कुल सिंपल सा कलर दे दिया यहाँ पे, लाइट येलो, और टेक्स्ट जो था वो वाइट कर दिया मैंने। सो गाइस, ये इस कलर की जगह हम यूज़ करने जा रहे हैं मैजेंटा, ओके। तो ये कलर यूज़ करते हैं, और ये जो एड्रेस वाला कलर है इसको वाइट कर देता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी सही लग रहा है, और सिंपली ये जो आपका पैम्पलेट है वो रेडी हो चुका है। इसका CDR आपको जो है, लिंक इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
और ये जो इमेज यूज़ की है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक डीके वेबटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीके वेबटेक को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें।